अगली खबर का रुख करते हैं। 206 करोड़ रुपए के चिक्की घोटाले में फंसी महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे आज पहली बार मीडिया के सामने आई। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सीधे सीधे गलत बताया। पंकजा ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। पंकजा ने यह भी कहा कि आधे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पिछली सरकार ही दे चुकी थी, उन्होंने सिर्फ उसी रेट और कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया है। पंकजा ने कांग्रेस एनसीपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इसका मतलब जो पिछली सरकार कर रही थी वो गलत था। मैडम क्या कहेंगे, 206 करोड़ रुपए का घोटाला आपके बराबर लगा क्या कर सकते हैं? मैं कभी नहीं कर सकती, आपको लगता है कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती। ये आरोप बेबुनियाद है और बेसलेस है। इसके ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, आरोप नंबर एक उसका खुलासा और उसका सबूत। इससे ज्यादा कोई मंत्री क्या आके कहेगा आपसे? और इसमें कोई विरोधी पक्ष का आमदार कहे कि मैं गलत हूँ तो इसके ऊपर एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। मिसगाइडिंग हो रहा है लोगों को और दिशा भूल की जाइए रही है ये पूरे मामले में, ये सब गलत आरोप है। लेकिन क्यों आखिरकार आरोप लगाए जा रहे हैं आपको ऊपर? आप विदेश दौरे पे थी उस दौरान, आप फैमिली के साथ थी, क्यों लगाया जा रहा आरोप? क्या लगता है आप बदनाम ले रहे हैं विरोधी पार्टियों का नाम, पार्टी की इमेज मलाइन करने के लिए किए जा रहे हैं? क्यों आपको ही क्यों? क्योंकि मेरे थोड़ी हो रहे हैं, और भी मंत्री के अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये इमेज मलाइन करने के लिए किए जा रहे हैं। जिस तरह से आप जो उस विभाग के मंत्री हैं, चिक्की का मामला आया, चिक्की जिस तरह से घटिया दर्जे की दी गई तमाम जगहों पे, बच्चे बीमार हो सकते हैं, जो और सामान लिए गए उसमें बहुत सारा रेट का कहीं डिफरेंसेज है, चाहे वो वाटर फिल्टर की बात, कोई रेट डिफरेंस नहीं है। मैंने कोई प्राइस एस्केलेशन नहीं किया है, मैंने एक भी रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। मैं चिल्ला के सब मीडिया को कह रही हूँ और मैंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है तो जिसको ग्रास्पिंग है वो सब उसमें देखें, सोचें और वो ही इवेल्युएट करें गलत है कि सही है। मेरे अगर मुझे किसी को फेवर करना तो नए कॉन्ट्रैक्टर आते पिक्चर में, ये तो पुराने ही लोग हैं। रेड कॉन्ट्रैक्ट भी पुराने मंत्रियों ने किए, जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के महिला बाल कल्याण मंत्री थे, तो मैंने कुछ इसमें नया निर्णय नहीं किया। जिस दिन मेरे मुख्यमंत्री ने अप्रैल में आदेश निकाला कि रेड कॉन्ट्रैक्ट बंद करके ई टेंडरिंग करना है, उस दिन से एक रुपया भी नहीं खरीद मैंने स्पेंड किया। एक जिले में राष्ट्रवादी के जिला परिषद के अध्यक्ष ने कंप्लेन की थी तो हमने विड्रॉ कर ली ये चिक्की। 3 लाख के मेरे पास सर्टिफिकेट है कि ये चिक्की की क्वालिटी अच्छी है तभी दी है। मैं बच्चों को जहर खिलाने के लिए चिक्की नहीं दी है, उनको न्यूट्रिशन देने के लिए दी गई। डैम के बारे में एक नया आरोप आपके ऊपर लग गया है, क्या? मैंने उसमें आपको फोटो दिखाए डैम के बारे में, मेरा उनका जान पहचान है और किन किन लोगों की जान पहचान है मैंने सब क्लियर किया है। वो पहले राष्ट्रवादी में थे, अभी राष्ट्रीय समाज पक्ष में है और उनको मैंने कोई फेवर नहीं किया है। कहा कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्या मैं आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं राजनीति से बाहर चली जाऊंगी? जाहिर सी बात है, जिस तरह के आरोप लगे हैं वह आरोप निराधार है, ऐसा पंकजा मुंडे का मानना है। कल्पेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।